राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी संघ ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। स्टाफ की कमी, सातवें वेतन सहित कई मांगों पर कर रहे हैं प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी संघ ने आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। कर्मचारियों का कहना है कि उनके स्टाफ में कर्मचारी की कमी है, साथ ही सातवें वेतन पैसा भी नहीं मिला है। कई कर्मचारियों को सैलरी स्लिप भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पा रहा कि कितनी कटौती सैलरी में हो रही है। ऐसी कई मांग है जिसकी वजह से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। जब तक कर्मचारी की मांग नहीं मानी जाएगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। आज क्या कर रहा आपने? आज हमारे 2 घंटे का बहिष्कार था, ये कल भी था और आज भी है और लगातार चलता रहेगा। ये तो हमारे सही कर्मचारियों की डीपीसी नहीं बैठ रही है कई सालों से, तो हम कर्मचारी बहुत परेशान हो रहे हैं। एक हमारे कर्मचारियों के साथ वेतन का भी एरियल ऑफिसेशन नहीं हो रहा है। एक जो है कर्मचारियों की बहुत कमी है, बहुत कर्मचारी एक दो वार्ड में परेशान होते हैं। एक सहायक कर्मचारियों की प्रेस स्लिप नहीं मिल रही कई सालों, तो कर्मचारियों को ये भी मालूम नहीं है कि मेरी तनख्वाह कितनी है, कितनी कटौती हो रही है। इसमें कर्मचारी परेशान होता है, बाबू के पास जाते हैं तो सीधा जवाब देते नहीं है, आज नहीं आना कल आना, ये नहीं हुआ अभी टाइम नहीं है वो। और एक हमारे ऑनलाइन फार्म भरो, ऑनलाइन एक कर्मचारी पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ धक्का खाता पड़े। जब बाबू को एक असिस्टेंट दे रखा है कंप्यूटर के काम करने के लिए, तो भी काम करते नहीं, बहुत परेशानी होती है कर्मचारी। तो हर बात में क्या है कि दिक्कत आती है। और एक हमारे कई सालों से साबुन चल रही है, सुब्रेंड साहब ने बंद कर दिया, और सुब्रेंड साहब ने आज भी कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया और कल भी नहीं बुलाया, पता नहीं क्या बात है उनके मन में। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारा काम नहीं होगा और जब तक हमारी ये हड़ताल चलती रहेगी, तो जब तक हम मांग पूरी नहीं करेंगे, जब तक हड़ताल चलती रहेगी। आपका नाम? भाव सिंह जोगी। क्या